जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका की नाम सांख्य योग है। दोस्तों, यहाँ भगवान सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। अब यह जिज्ञासा उठती है कि इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा। इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं कि यम हीना व्यथयंत एते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। इस श्लोक में इंद्रियों और विषयों के संयोग को किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात बतलाई गई है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को पुरुषश्वा नाम से संबोधित किया है। पुरुषों में जो अधिक शूरवीर और बलवान हो, उसे पुरुषश्वा कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुषश्वा नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सबको सहन कर सकते हो। भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुष के लिए सुख दुख समान हो गए हो, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही हो, वही धीर है, वही इन सबको सहन करने में समर्थ है। भगवान ने इससे यह भाव दिखलाया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग देश और हर्ष शोक ना करने का अभ्यास करते करते जब साधक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार भी उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि वह धीर और सुख दुख में समान भाव वाला हो गया है, वह मोक्ष के योग्य होता है। इससे भगवान का भाव यह है कि सम भाव वाला पुरुष मोक्ष का, परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया और इंद्रियों के साथ सही विषयों के संयोग को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतः इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वन्योस्तत्व दर्शिभि। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, इस कथन का अभिप्राय यह है, यहाँ पर परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग को कहा गया है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है, उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, अतः जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्म आदि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो, तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। सत वस्तु का अभाव नहीं है, यहाँ पर सत परमात्म तत्व को कहा गया है जो कि सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन में भगवान ने यह भाव दिखलाया है
कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता है। वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो, तो भी तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का ही विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती है, वह असत है। अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव ही नहीं है, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदैव विद्यमान रहती है, वह सत है। अर्थात सत का कभी अभाव नहीं होता है। यह तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। राधे राधे।